जबलपुर लोकायुक्त ने आज कटनी बंटवारा नंबर 2 हल्का ना सत्रह में पदस्थ रामनाथ बुनकर की रिश्वत लेते 500 के नोट 8000 रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एक माह के अंदर जिले में दूसरी बार बड़ी कार्रवाई। कटनी जिले में एक माह के अंदर दूसरी बार लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई तहसील परिसर का मामला है। लोकायुक्त से मिली जानकारी के अनुसार आवेदक आनंद कुमार गौतम का जमीन का बंटवारा हुआ था। अपनी जमीन के ऋण पुस्तिका में नाम दर्ज कराने के एवज में 8000 रुपए की रिश्वत पटवारी ने मांगी थी, जिसकी शिकायत लोकायुक्त जबलपुर को की गई थी। सुरेखा परमार निरीक्षक लोकायुक्त की टीम ने आज जब पटवारी 8000 की रिश्वत ले रहा था तभी उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पटवारी रामनाथ बुनकर कटनी की पहाड़ी क्षेत्र का है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए कटनी से जिला ब्यूरो राजेश केवट की रिपोर्ट। आवेदक आनंद कुमार गौतम है, ये कटनी का निवासी है जिसकी जमीन का बंटवारा हुआ था और उस बंटवारे के संबंध में जो नाम दर्ज चढ़ाने के लिए ऋण पुस्तिका में नाम दर्ज कराने के लिए उसने आवेदन दिया हुआ था, तो इसके एवज में उससे 8000 रुपये की मांग आरोपी के द्वारा की जा रही थी। मैडम, कौन से दिन ने 8000 रुपये की रिश्वत मांगी है, किस पद में, किस पद में? ये पटवारी हैं मुड़वारा नंबर 2 के, हल्का नंबर 17 के, और इनके द्वारा 8000 रुपये की मांग की गई। रामनाथ बुनकर इनका नाम है, पटवारी पद पर पदस्थ है। कितने दिन से आवेदन शिकायत आपको कब मिली है? और देखिए, ये तो बिल्कुल गोपनीय विषय है इसीलिए शिकायत प्राप्त होने पे आज पूरी कार्यवाही की गई और उनको 8000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। शुभ नाम? सुरेखा परमार, निरीक्षक हूँ लोकायुक्त से जबलपुर।